हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लेसन में हम करेंगे राजस्थान जी के टेस्ट नंबर 18। तो 17 तक हमारे हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने पीछे के टेस्ट है वो नहीं दिए हैं तो 17 टेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उनकी PDF भी ले लेना और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेसन हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रोजाना 3 टेस्ट होते हैं। 8 बजे करंट अफेयर का टेस्ट होता है, 11:30 बजे राजस्थान जीके का जो अभी चल रहा है, और शाम 7:30 बजे राजस्थान इंडिया जीके का टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट सीरीज होती है। इसके अलावा शाम को राजस्थान जीके का स्पेशल ओनली राजस्थान करंट अफेयर का एक टेस्ट होता है अलग से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की पेंटिंग जो है, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। तो एक दो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, सर किस लेवल के क्वेश्चन है ये? देखिए, आजकल एग्जाम का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका पैटर्न चेंज हो गया, लेवल चेंज हो गया, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो क्वेश्चन हम सभी को याद है उन क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में लेने का कोई फायदा नहीं है, वो तो आपको वैसे भी याद है। तो कुछ नया करते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको फायदा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि जमनादास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित। ये चित्रकारों के नाम है, जमनादास है, छोटे लाल है, बक्साराम है, नंदलाल है। आपको ये बताना है ये कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं, झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली या फिर मारवाड़ शैली के। तो राइट आंसर हो जाएगा अलवर शैली के चित्रकार हैं, तो पहले का होगा बी। दो नंबर क्वेश्चन है कि रामानाथ, छज्जू, शेपू किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं, अलवर, जोधपुर, मेवाड़ या फिर जयपुर के। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, ये सभी है जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, तो प्रत्येक शैली के चित्रकार के नाम तो आपको याद करना ही करना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें तो मैंने साथ में सारे जो चित्रकार हैं उनके नाम दे दिए, एग्जाम से किसी एक का नाम पूछ लिया जाएगा कि छज्जू सिंह है वो किस शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, रामानाथ है वो किस शैली के चित्रकार हैं, तो साथ में इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक शैली के जितने भी चित्रकार हैं वो उनके नाम आपके कवर हो जाए एक साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था। ये कथन है कि राजस्थान चित्र शैली जो है विशुद्ध रूप से भारतीय है, किसका कथन है ये? 3 नंबर का सही उत्तर है क्या हो जाएगा, सदीक खां का कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम, जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, उसका कारखाने का नाम बताना है जहाँ पर कलाकार चित्र बनाते हैं और लघु चित्र बनाते हैं। तो तोसा खाना, सूत्र खाना, सूरत खाना या फिर जवाहर खाना। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूरत खाना उसका नाम है, तो सी होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, 5 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, नगरीदास है उसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने बनी ठनी चित्र है वो लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 पक्षियों का महत्व देने वाली चित्र शैली का नाम बताना है आपको। ये राजस्थान पुलिस में आ चुका है ये क्वेश्चन कि पक्षियों को महत्व वाली जो चित्र शैली है वो कौन सी है, बूंदी शैली, चावड़ शैली, जयपुर शैली या फिर देवगढ़ शैली। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बूंदी शैली में चित्रों का ज़्यादा महत्व था, पक्षियों के चित्रों का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि चावड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासन के शरण में किया था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, अमर सिंह प्रथम या जगत सिंह प्रथम। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमर सिंह प्रथम के शासन काल में किया था। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं सारे याद रखने। पहला तो ये होगा कि रागमाला चित्र है वो किसने बनाया था, तो नसरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। किसके शासनकाल में बनाया गया था, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। और तीसरा क्वेश्चन बन गया कि नरसिंह ने रागमाला चित्र है वो बनाया था वो किस शैली से संबंधित है, तो चावंड शैली से संबंधित है। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों याद रखिए, किसी भी तरह से अगर चेंज हो गया आता है तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू है वो किस शैली की है, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर किशनगढ़। तो ढोला मारू जो चित्र है वो किस शैली का है, तो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, जोधपुर शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा बीकानेर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल और पेंटिंग का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि किस शैली में पशु पक्षियों का महत्व दिया जाता था, तो बूंदी शैली में, तो ए हो जाएगा सही उत्तर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र के लिए, मंदिरों के लिए, स्वर्ण नकाशी के लिए या फिर अभ्यारण्य के लिए। ये SI में, राजस्थान पुलिस में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भित्ति चित्रों के लिए मंडावा जो है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 12 कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे, चूरू, अजमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर में बनाए थे भित्ति चित्र। उन चित्रकारों को क्या कहा जाता था, उस्ताद कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 राजस्थान में भित्ति चित्रों को
चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा, आरआईएस कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना इसको। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मारवाड़ शैली में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1300 1623 का चित्रांकन है वो किसने किया था, किस चित्रकार के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर जी के द्वारा किया गया था। ओके, तो रागमाला चित्रावली है, ये पहले वाला रागमाला चित्रावली है जो किस शैली से संबंधित है, मारवाड़ शैली से। कब हुआ था, 1623 ईस्वी में, किसके द्वारा किया गया था, वीर जी के द्वारा किया गया था। तो 4 क्वेश्चन बन गए एक साथ। तो चारों इस तरह से क्वेश्चन आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है कहीं अलग से नहीं आता। हमेशा जब भी आप कोई एग्जाम में क्वेश्चन करते हो, आपको यह लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरा देखा हुआ था लेकिन याद नहीं आ रहा, वो इसी वजह से, क्योंकि एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से चेंज करके पूछ लिया जाता है। तो हमें ये सोचना है क्वेश्चन करते टाइम, जब भी क्वेश्चन याद करते हैं तो हमें ये सोचना है कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसकी लैंग्वेज किस तरह से चेंज हो सकती है, इसकी भाषा को परिवर्तित कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सूचना आपको, एनकेडमी लर्निंग ऐप पर भी आप मेरे लेसन देख सकते हैं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ सर्च कीजिए प्रहलाद सारण और मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कौन कौन से लेसन मिलेंगे, वहाँ पे आपको मिलेंगे 17,000 वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें 5,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, 5,000 भारतीय इतिहास के क्वेश्चन है, 2,000 क्वेश्चन है वो जियोग्राफी के हैं, और 2,000 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के हैं, 2,000 क्वेश्चन संविधान के हैं, 1,000 क्वेश्चन विश्व जीके के क्वेश्चन है। तो 17,000 वन लाइनर क्वेश्चन है, जीके के जो करंट अफेयर के हैं 17 टेस्ट हैं, जो यहाँ होते हैं उससे अलग टेस्ट है, और 80 मॉक टेस्ट है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ सर्च कीजिए प्रहला सारण और सारे लेसन आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अभी जो हमारा टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट की PDF जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉमेंट में भी लिख दूंगा। फिर भी अगर आपके पास टेलीग्राम है तो प्रहला सारण सरनाम सर्च कर लीजिए, वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। ओके गाइज, और भूलिए मत, रोजाना हमारे 3 लाइव टेस्ट होते हैं, अभी तो मैंने 4 स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ दिन बाद 5 स्टार्ट हो जाएंगे। अभी होता है सुबह 8 बजे करंट अफेयर का, जिसमें लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर करते हैं, 11:30 बजे राजस्थान जीके का होता है, और शाम 7:30 बजे मॉक टेस्ट सीरीज होती है इंडिया जीके की, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में एक और टेस्ट अपलोड करता हूँ मैं, सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर का, सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर का। ठीक है, इसमें तो करंट अफेयर 8 बजे वाले में तो इंडिया के करते हैं, राजस्थान के करते हैं, विश्व के करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन शाम को जो 7 से 8 एक करंट अफेयर का जो टेस्ट अपलोड होगा उसमें सिर्फ राजस्थान के होंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। रीजनिंग और मैथ का टेस्ट है वो 2 या 3 दिन में स्टार्ट कर दूंगा मैं, रीजनिंग और मैथ के लिए। ओके, तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, अगर आप कर सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अगर आपको शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं शाम को राजस्थान के करंट अफेयर टेस्ट में और इंडिया जीके के टेस्ट में। थैंक यू।